birthday to you. Through his smile and his spectacular acting skills, he has made the Indian audience and the Indian film industry go gaga over him. From his movies, Rehna Hai Tere Dil Mein, Rang De Basanti, the spectacular acting that he did, and Sala Kadoos, he made the audience go gaga and entertain them to the core. Yes, it is R. Madhavan's birthday today. So let's go and ask the Mumbai audience what gift and wish they would like to give him on this birthday. आप R. Madhavan के कितने बड़े fan हैं? मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है जो मैं शब्द में उसको बयां करूँ, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ मतलब क्या बोलूँ, कितना बड़ा फैन हूँ उसकी। थ्री इडियट्स में क्या एक्टिंग थी यार, माहौल एकदम। R. Madhavan का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, एकदम डिफरेंट एक्टर है, टाइमिंग बहुत अच्छा है। थ्री इडियट्स में नोटिस किया, बहुत अच्छा टाइमिंग है और उनका बोलने का जो स्टाइल है बहुत डिफरेंट है बाकी एक्टर्स से। R. Madhavan की मैं अच्छी काफ़ी बड़ी फैन हूँ, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनकी कई मूवीज़ देखी है और उनकी मूवीज़ काफ़ी अच्छी होती है, उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ एक बार, ठीक है, उनसे हैंडशेक करना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे यह मौका कब मिलेगा, बट आई विश कि मैं उनसे जल्दी मिलूँ। तो उनके बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उनका मतलब जो फिजिक है ना वो सबसे अलग है यार, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा कोई अलग एक्टर है, उनका फिजिक थोड़ा अच्छा है। सबसे ज़्यादा पसंद तो ऐसे मतलब वो जो भी कुछ करते हैं मतलब वो चीज़ें देखने लायक रहती है, कुछ सीखने लायक रहती है और सचमुच उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। उनका टाइमिंग सबसे पसंद है मेरे को, स्माइल, उनकी स्माइल मुझे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली। उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरे लिए तो मैंने जितनी भी देखी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं उनका फेवरेट फैन हूँ, तो मेरे लिए तो जो भी वो करेंगे वो तो मेरे लिए अच्छा ही है। थ्री इडियट्स तनु इड्स वन, रहना है तेरे दिल में इज माय फेवरेट मूवी। तो अगर आपको एक चांस या एक मौका दिया जाए उनके साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने को, तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे? उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा जितना भी, मतलब उनके साथ डेट पे जाने वाले तो वो भी चलूँगा यार। मैं कैंडल डिनर के साथ मतलब अच्छे से सेलिब्रेट को मैं चाहूँगा हो, और मैं रहो उस मेरे से पूरी फैमिली रहे, उनके साथ उनकी फैमिली रहे और धूमधाम से सेलिब्रेट हो। उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगा, डेट पे मैं उनके साथ अकेले रहना चाहूँगी, वहाँ पे और कोई भी ना हो, और बस केक्स वगैरह सारी अरेंजमेंट करना चाहूँगी, मैं सरप्राइज देना चाहूँगी और एक बीच पे उनके साथ घूमना चाहूँगी बहुत सारे। उस टाइम तो पता नहीं क्या क्या होगा, बस वो होना चाहिए। क्या विश या गिफ्ट दोगे आप उनको उस दिन? एक अगर कार दे सकता हूँ तो कार दे दूँगा, कार दे उनको, कार का बड़ा शौक है। आगे जितने भी वो काम करें उनके लिए मैं विश करना चाहूँगा उनको कि और भी अच्छा काम करें और अच्छी अच्छी मूवीज़, ये वो जितने भी सोशल वर्क है उनके वो उससे आगे बढ़ाएं। कि कोई मूवी का डायलॉग मतलब थोड़ा एडिटेड वर्जन बना के दूंगा उनको मैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी मूवीज़ करें, बहुत सारी मूवीज़ मिले उनको, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत आगे जाएं वो और जल्दी से मुझसे मिले बस। हैप्पी बर्थडे माधवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माधवन, लव यू। Happy birthday R. Madhavan, love you. Wish you a very happy birthday Madhavan. Happy birthday J.